तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है Thank you.
कोई काम नहीं करता। वैसे भी रहीम जी जब सेवा करते थे ना, किसी को देते थे तो उनकी नजर नीचे होती थी। पूछने वालों ने कहा, आप नजर उठाकर क्यों नहीं दे रहे, नीचे की तरफ क्या देख रहे हो? बोले, मुझे शर्म आ रही है खुद पर। देने वाला कोई और है, लेने वाला उसकी आत्मा है, देने वाला परमात्मा है। मैं आंख उठाकर अपने अंदर मैं लाकर, अहंकार लाकर मैं गोविंद से दूरी क्यों बनूं? और मैं भी स्वार्थी, आप भी स्वार्थी। देखो भैया, सीधी सीधी बिजनेसमैन वाली बात करते हैं। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए हो तो बैंक से लोन लेते हो या नहीं लेते? जिस समय हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं तो कहते हैं, एक बार मनुष्य जीवन दे दे तेरा भजन करूं। सरकार फ्री में नहीं दिया आपको, अगर आप सोच रहे हो ना फ्री में, मस्ती में उड़ा रहे हो, ये फ्री में नहीं दिया आपको, ये लोन मिला। अगर किस्त देते रहोगे तो फिर उम्मीद कर सकते हो कि अगली बार फिर आपको लोन अच्छा मिल सकता है। इस बार किस्त समय पर देते रहोगे, भुगतान करते रहोगे, तो अगला जन्म हो सकता है किसी भक्त के घर में हो, फिर भी अच्छा किया तो हो सकता है उससे अगला जन्म श्री धाम वृंदावन में हो जाए। और श्री धाम के बाद तो कोई बात बचती नहीं है, कोई बात नहीं बचती है। इसीलिए प्यारे, हम भी वही किस्त दे रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। इसीलिए मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। आप भी ये किस्त देते रहिए, दोनों हाथ उठाए कह दो प्यारे, वरना आप समझते हो जिस किस्त का भुगतान ना हुआ सामान उठा लिया जाएगा, आगे कोई गारंटी नहीं है। पूरे हाथ उठा के कह दो, मेरे पास जो भी कुछ है, औकात कभी नहीं भूलनी। हम इनकी क्या सेवा करेंगे, हम तो वो दिन नहीं भूलते कि पहला कटोरा भी हमें इन ब्रिजवासियों ने ही दिया था कि दीदी भिक्षा मांगने जाओगे लोगे कि इसमें ये लोग कटोरा भी हमसे। कहां अपनी औकात भूल। साईं बाबा से किसी ने कहा कि आप ऊपर क्यों नहीं बैठते, हमेशा धरती पर क्यों बैठे रहते हैं? बोले, ऊपर बैठूंगा तो गिरने का डर रहेगा, धरती पर रहूंगा तो गिरने का डर नहीं कह के। इसीलिए अपनी औकात भूलने नहीं चाहिए कि हम कहां से आए हैं। तेरे करम से बेदयाल कौन सी शय मिली नहीं, अरे झोली ही मेरी तंग थी तेरे यहां का।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।